नमस्कार मित्रों, जीवन जड़ी बूटी चैनल में आप सबका मनपूर्वक स्वागत। मित्रों, आप जो सामने औषधि वनस्पति देख रहे हैं इसे नीली शंख पुष्पी के नाम से जानते हैं। मित्रों, इसे छोटे छोटे पत्र होते हैं और ऐसे नीले नीले छोटे छोटे फूल होते हैं जो कि बड़े ही सुंदर दिखते हैं। शंख के आकार के ऐसे ऐसे नीले फूल लगते हैं। शंख पुष्पी के तीन प्रकार होते हैं, सफ़ेद, लाल एवं नीला। तो नीली शंख पुष्पी बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस नीली शंख पुष्पी का प्राशन करने से, इसे उपयोग करने से बुद्धि बड़ी तीव्र गति से बढ़ती है। मित्रों, यदि किसी मित्र के आंखें हमेशा हरदम लाल होती होंगी, लाल रहती होंगी, आंखों में से पानी बहता होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीली शंख पुष्पी के पत्ते लेकर इसे कूट पीस कर इसका रस छान कर दो दो बूंद यदि आप आंखों में रोज़ सुबह शाम 5-6 दिन यदि लगातार डालते हैं तो आपकी आँखों की लालिमा और आँखों में से बहने वाला पानी तुरंत थम जाता है। मित्रों, यदि किसी को श्वास है, श्वास रोग है, श्वास नलिका पर सूजन आ गई होंगी, तो श्वास रोग को दूर करने के लिए आपको नीले शंख पुष्पी का पंचांग लेना है और इसका काढ़ा बनाना है। 20-20 ml इसका काढ़ा सुबह शाम आपको 1 ग्राम जीरे का पाउडर डालकर सेवन करना है। लगातार 3 महीने इसका सेवन करने से श्वास दमा से छुटकारा मिलता है तथा मित्रों, बुद्धि बढ़ाने के लिए आप इसके फूलों का चूर्ण बनाकर सुबह शाम यदि गाय के घी के साथ ऊपर से दूध पिलाने को देते हैं तो बुद्धि बड़ी तीव्र गति से बढ़ती है।